तो हमारा खाना बन के तैयार हो चुका है। हमारे हमने बनाए थे दाल का तड़का और भात और पूड़ी, तो बन के तैयार है। देखिए तो चलिए अब हम लोग सारे परिवार खाएंगे। दाल का तड़का हमारा बन के तैयार हो चुका है, अब बन रहा है पूड़ी। तो यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट कर दिए हैं इस तरह से। तो हम यहाँ पर चढ़ा दिए हैं चने दाल को अच्छे से भुंजाने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं बहुत ही अच्छे होंगे। सोनाचार ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। सो दोस्तों, अभी सुबह का बज चुका है 8:30 और अभी अभी हम जस्ट अभी खाना बना रहे हैं अपना किचन में। तो यहां पर हम भात उतार करके रख लिए हैं और उसके बाद में अभी बन रहा है यहाँ पर आलू और प्याज को भूंज रहे हैं इस तरह से। देखिए ये भुंजा गया है। और ये मम्मी जो कल साग लाई थी ना, तो साग को हम लोग नहीं बनाए थे। मम्मी बोली कि और सुबह में लेकर के आएंगे, तो फिर नहीं गई। तो फिर थोड़े ही साग को इस तरह से आलू प्याज के साथ में भूंज दे रहे हैं। तो टमाटर हम नहीं डाल रहे हैं और नमक वगैरह सारे कुछ डाल दिए हैं। तो इसको इस तरह से भूंज कर उतार देंगे अच्छे से। आँच को लगा लेते हैं और थोड़ा सा। और अभी घर पर कोई नहीं है, सभी कोई अभी चल गए हैं उधर कटहल पेड़ के पास तरफ एकदम। और रात को तो राती रात भर हवा चला और अभी 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 थोड़ा थोड़ा भी चल रहा है। और मौसम देख रहे हैं पूरी तरह से एकदम धूप निकल चुका है और उधर साइड में बादल बादल किया हुआ है और इधर पूरब की ओर पूरा धूप निकला हुआ है एकदम। देख रहे हैं इस तरह से एकदम इधर में पूरी तरह से धूप निकला हुआ है और उधर पश्चिम की ओर में एकदम बादल किया हुआ है और हवा चल रहा है। तो कुछ तो अच्छा लग रहा है एकदम मस्त एकदम। और राती रात भर हवा चला है एकदम पूरी तरह से ठंडा ठंडा एकदम। लगता है किधर कहीं पर भी पानी मारा होगा। हम लोग रात को तो इसी जगह पर सो जाते हैं सारे परिवार। सोच रहे थे अगर रात को मतलब कि नहीं हवा चलता है तो हम लोग पंखे को यूज करते हैं और चलता है हवा, तो फिर इसको ऐसे हिलाने देते हैं। इधर रात भर रह जाता है इसको। अभी अभी जस्ट अंदर करेंगे। तो चलिए हम अपना भुंजिया को उतार लेते हैं। भुंजा किया है। और आजकल ऐसा हो गया है ना कि कोनार साग में मतलब बुढ़ा गया है पत्ता सब एकदम, जल्दी मिलता नहीं है। तो मम्मी पेड़ में तो ज्यादातर चढ़ने पाती है नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा लाई थी। उसको इस तरह से करके भून दे रहे हैं। चलिए भुंजिया हमारा बन के तैयार हो गया है। अभी कब आएंगे और खाएंगे, उतार लेते हैं। उतार के इसी जगह पर रख देते हैं। अभी सभी कोई आएंगे तो सभी को इसी जगह पर खाएंगे खाना, और पूरी तरह से बरामदा में बैठ करके, तो इसलिए खाना को हम इसी जगह पर रहने देते हैं। बर्तन को भी अभी इसी जगह पर रख दी हैं, बाद में फिर सारे को अंदर ले जाएंगे। तो सुबह का ब्लॉग आप सभी को कंटिन्यू नहीं किए नहीं करने पाए, आई एम सॉरी, खाना खाने वक्त भी नहीं दिखाने पाए क्योंकि हम लोग का गांव में थोड़ा सा मतलब मेरी बड़ी मम्मी का घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो इस वजह से आप सभी को पूरी ब्लॉग नहीं दिखा पाए। कब खाना खाएँ, कब नहीं खाएँ, कब क्या हो रहा था, ये सब भी नहीं दिखाएँ और नहीं बनाएँ, क्योंकि बड़ी मम्मी का जो सबसे छोटी वाली बहू है ना, उसका डिलीवरी हो रहा था, तो इस वजह से मतलब डिलीवरी ले जाने हॉस्पिटल नहीं ले जाने पाए, घर पर ही डिलीवरी हो गया। तो इसलिए ब्लॉग को नहीं हम लोग लंबा खाने पाए, मतलब कि खाना खाने वक्त नहीं दिखाने पाए। सभी को एक एक बार में आ करके खाना खाएं और सारे कोई देखने के लिए चले गए थे क्योंकि हम लोग सब अपना है, तो अपने ही में सारे जितने भी होते हैं दुख सुख तो सारे कुछ बांटते ही हैं, तो इस वजह से नहीं ब्लॉग खाना खाने वक्त नहीं दिखाने पाए, तो गलत मत समझिएगा। और फाइनली आज तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी चला है और मौसम आज काफ़ी मस्त एकदम बादल बादल कर दिया है और पानी थोड़ा थोड़ा बस आया हुआ है। देख रहे आंगन पूरी तरह से एकदम धूल इधर उधर कर दिया है, थोड़ा थोड़ा जस्ट पानी आया और उससे ज़्यादा नहीं आया। और अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है बस, और शरीर के लिए तो अच्छा ही लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
पूरी तरह से मस्त एकदम। तो चलिए शाम हो गया है और शाम का ही खाना बनेगा, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि सोना जी सिर्फ शाम होता है और खाना बनाती है, सुबह होता है और खाना बनाती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सुबह का लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएँ, सुबह में हम कुछ अलग सोचे थे लेकिन नहीं कर पाए, तो इसके लिए आई एम सॉरी। और फिलहाल तो अभी हम अपना घर में हैं और चलिए अपना किचन में भी आ गए हैं। चारों अपना घिंदरी को यहाँ पर छोड़ दी है, देख रहे हैं, और चूल्हा को हम धरा लिए हैं। और उसके बाद में अभी चारों को देख रहे हैं, पानी आ रहा था ना उस टाइम, देखिए सारे जितने भी कपड़े हैं सारे को अंदर कर करके पूरी तरह से, ताकि भींजे ना। ये तो बाहर में ही रहता है, ये गांजा मतलब ये वाला टोकिया है, हम लोग इसको बड़ा साइज में होता है ना उसको हम लोग गांजा बोलते हैं, तो ये बाहर में रहता है। और चारू को दे दिए हैं मिठाई, तो मिठाई खा रही है। इसको बाहर में रखते हैं तो पूरी तरह से सूखा हुआ रहता है, फिर भींज जाएगा तो टूट जाएगा जल्दी, इसलिए इसको अंदर में ले आए। खाटी बिछा करके पानी आ रहा था उस टाइम, बैठे हुए थे, थोड़े थोड़े आ रहा था, ज्यादा नहीं आया। चारों को भी मिठाई दे दी है फिलहाल, तो खा रही है। और चलिए हम शाम का खाना बनाते हैं। और शाम का खाना आज हमारे बनने वाले हैं बहुत ही खास और स्पेशल। यहाँ पर आज लाए थे दूध, तो यहाँ पर दूध रखा हुआ है, देखिए इस तरह से। इसको भी कुछ बनाने की सोचे हैं, देखिए क्या बनता है, अभी फिलहाल बोल नहीं सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ अच्छा चीज बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले पानी पी लेंगे। हम पानी पी लिए हैं और चलिए अभी तो हम पसेना पसेन हो चुके हैं, हवा अभी पूरी तरह से बंद कर दिया है, तभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा था, अभी पूरी तरह से बंद कर दिया है। और उसके बाद में अभी हम यहाँ पर निकाल लिए हैं, ये देखिए दाल, ये दाल है ये मसूर वाला और ये है चने का दाल। तो चने का दाल हम इससे एक कटोरी ले लिए हैं और ये है आधा कटोरी से थोड़ा सा कम है, तो दोनों को मिला करके बनाएंगे अच्छे से। पूरी तरह से अभी खाना बना करके, मतलब कि मम्मी के लिए चावल बना दिए थे। और खाने में आज हमारा क्या बन रहा है वो भी बता देते हैं, बन रहा है पूड़ी और दाल का तड़का बनेगा। तो यहाँ पर अब हम धो लेते हैं इस तरह से, अच्छे से धो लेंगे इसको तीन चार बार साफ पानी से पूरी तरह से रगड़ के इस तरह से। जब तक धोएंगे जब तक कि ये पूरी तरह से साफ पानी ना हो जाए तब तक। दाल को हम अच्छे से धो लिए हैं और ये देखिए कुकर हमारे पास है, कुकर में हम अच्छे से लेप लगा करके पहले ही छोड़ दिए थे, ताकि इससे क्या होता है ना कि बर्तन धोने में काफी ज्यादा आसानी होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर डाल देते हैं दाल को। दाल को हम अच्छे से धो करके रख लिए हैं, चार से पांच बार हम इसको धोए हैं इस तरह से, पहले ही दाल को डाल दे रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए हम टमाटर दो काट लिए हैं बड़े साइज का, साथ में ही डाल देंगे। और यहाँ पर हम प्याज काट लिए हैं और ये है हमारा ये काला वाला मरचाई, जो हम इसको सिलवट में अच्छे से महीन से इसको गूंड लिए हैं, पीस लिए हैं, तो इसको भी हम साथ में ही डाल देंगे। और ये रहा हमारा लहसुन और हरा मरचाई का पेस्ट, तीता अपने हिसाब से डालिएगा, तो हमने यहाँ पर अपने हिसाब से तीता डाले हैं और इसको भी हम साथ में ही डाल देंगे। अब अच्छे से यहाँ पर डाल देते हैं हल्दी पाउडर इस तरह से, और यहाँ पर फिर से हम डाल देंगे कच्चे कड़ुआ तेल इस तरह से। अब स्वाद अनुसार इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे इस तरह से। अब अच्छे से इसको हम मिला लेते हैं इस तरह से। हम दो कली यहाँ पर तेज पत्ता डाल दे रहे हैं और यहाँ पर है हमारा खड़े मसाले, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या डालना है हमको। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा डाल रहे हैं। अब अच्छे से इसको हम मिला लेते हैं
चलिए अब हम इसको डाल देते हैं चूल्हे में। चूल्हे में बैठा करके अच्छे से इसको हम भून लेंगे। तो हम यहाँ पर चढ़ा दिए हैं चने दाल को अच्छे से भून जाने के लिए। तो ये हमारा अच्छे से भून जा रहा है और धीमे धीमे आंच में इसको हम भून ले रहे हैं अच्छे से। काफी मस्त और खुशबू भी काफी अच्छा आ रहा है एकदम। तो चलिए ये भुंजा गया है और इस तरह से चिपक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें अब हम पानी को ऐड करेंगे। पानी अंदाज अनुसार जैसा कि हमारा दाल जितना में पक जाए। इतना दाल पक जाएगा और इसको ज्यादा नहीं दो सीटी इसको लगने देंगे। तब हम इसमें ढक्कन को ढक देते हैं। तो हम ढक्कन ढक दिए हैं और इसको हम अच्छे से आंच लगने देंगे। आंच को हल्का कम कर देंगे और इसको हम दो सीटी आने देंगे। तब तक चलते हैं आटा सानने के लिए। ये इधर हमारा बन के तैयार रहेगा तब तक हम आटा को सान लेंगे। चलिए दाल को अब हम चेक कर लेते हैं। तो हम नीचे उतार लिए हैं और ढक्कन इसका खोल दिए हैं क्योंकि इसका गैस बना हुआ रहता है ना, तो नहीं खोलेंगे तो फिर बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो दाल हमारा एकदम परफेक्ट मस्त एकदम बन चुका है और इसको हम चेक कर लिए थे बीच में एक बार। तो आप लोग इसको चार सीटी जरूर लगाइएगा और पानी अंदाज अनुसार डालिएगा। हम कितना डाले थे, दाल हमारा इतना था तो हम पानी छप छप में डाले थे पूरी तरह से। तो चलिए दाल हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको तड़का लगा देते हैं, मतलब कि छनका लगा देते हैं। तो यहाँ पर करछुल हम लगा दिए हैं चूल्हे में और अब हम इसमें डाल देते हैं तेल। अक्सर हम इसी तरह से छनका लगाते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल दे रहे हैं जीरा और लहसुन। तो इसमें हम डाल दे रहे हैं लाल मिर्चाई और हल्का सा कस्तूरी पतई। तो चलिए अब हम इसको छनका लगा लेते हैं। इस तरह से ढक्कन को 5 मिनट के लिए वहीं पर रहने देंगे। धुंगा लग रहा है भाई। तो दाल का तड़का हमारा बन के तैयार हो चुका है, अब बन रहा है पूड़ी। यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट कर दिए हैं इस तरह से। देखिए थोड़ा सा बेलने में दिक्कत तो होता है लेकिन खाने में तो उतना ही मजा आता है ना। तो हमारा खाना बनके तैयार हो चुका है। हमने बनाए थे दाल का तड़का और भात और पूड़ी। तो बनके तैयार है देखिए। तो चलिए अब हम लोग सारे परिवार खाएंगे। यहाँ पर सभी कुछ बैठ गए हैं खाने के लिए। अब खाना खाते हैं। चारू सो गई है। चारू को जिस टाइम बन रहा था उसी टाइम दे दिए थे, तो खाई और सो गई है।
तो चलिए हम लोग तो खाना वाना खा करके सो जाएंगे और ब्लॉग को इतने रखते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।